नमस्कार दोस्तों, डीडी न्यूज की जानो कैसी सीरीज में जुड़िए मेरे साथ एक बार फिर। आज सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भारत में आज की डेट में सबसे बड़ा ग्लोबल चैलेंज क्या है, जिसको लेके कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से उसको कम करने की कोशिश भी की जा रही है। बात हो रही है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की, जिसको कम करने के लिए एनवायरमेंटली फ्रेंडली चॉइसेस पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी वन सच इकोलॉजिकली फ्रेंडली चॉइस है। भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री तेजी से डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस कर रही है, जिसमें राइजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्रूशियल रोल है। इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसके अंदर ईवी आती है, उसको इकोनॉमी के मेन पिलर्स के तौर पर देखा जाता है, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर 49% इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी और 7.1% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। इससे मालूम पड़ता है कि आने वाले सालों में ऑटो एंसिलरीज और एसोसिएटेड सेक्टर्स तेजी से ईवी इंडस्ट्री के साथ ग्रो करने को तैयार है। 2030 तक एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को जनरेट करने के एम के साथ इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एलिवेट यानी बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स को 30% प्राइवेट कार्स में, 70% कॉमर्शियल व्हीकल्स में, 40% बसेस में और 80% टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स का विजन देखते हुए तैयार किया जा रहा है, जो 2030 तक 80 मिलियन ईवीज को इंडियन रोड्स पर उतारने के एम को पूरा करता है। साथ साथ सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ईवी का 100% लोकल प्रोडक्शन का भी एम किया हुआ है। 2030 तक का भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल का एम तो आपने जान लिया, लेकिन अभी तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल का सक्सेसफुल ग्राफ कितना रहा है, आइए हम आपको बताएं। 2023 में इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स में 49.25% की ग्रोथ देखी गई, जो 1.52 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 2018 में 1.3 मिलियन से बढ़कर 2023 में ये 15.29 मिलियन हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, नीति आयोग के मुताबिक भारत की ईवी फाइनेंस इंडस्ट्री 2030 में 3.7 लाख करोड़ रुपए तक के पहुंचने की संभावना है। 2015 में भारत सरकार ने फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया, जिसे दो फेजेस में लाया गया, फेज वन और फेज टू। फेज वन 2015 से 2019 के बीच चलाया गया, जिसके लिए 529 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। वहीं अप्रैल 2019 में फेज टू लाया गया था, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया था। दोनों ही फेजेस में इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल सपोर्ट, ई बसेस सर्कुलेशन, चार्जिंग स्टेशन से लेकर कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मॉडल्स का अप्रूवल शामिल रहा। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जैसी योजनाओं ने भी भारत में ईवी एडॉप्शन में मेन रोल निभाया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो फरवरी 2024 तक देश में 12,146 ऑपरेशनल पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन है। इनमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन है, फिर दिल्ली और अन्य राज्य आते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रैपिड ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए 2030 तक भारत में कम से कम 1.32 मिलियन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्लान है, जिसके लिए सालाना 4 लाख से अधिक इंस्टॉलेशन की जरूरत है। गवर्नमेंट ने इंडियन ईवी मार्केट के ग्रोथ के लिए कुछ एम्बिशियस टारगेट भी आउटलाइन किए हैं, जिसमें 2022 से 2030 तक 49% CAGR का लक्ष्य और 2030 तक 1 करोड़ यूनिट की वार्षिक ईवी सेल्स, जो 2030 तक 5 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स को जनरेट करने के लक्ष्य को रखती है। जानो कैसे में इंडियन ईवी इंडस्ट्री की बढ़ती प्रोडक्टिविटी के बारे में तो आपने जाना, अब कमेंट करके बताइए कि ईवी इंडस्ट्री में और क्या बेहतर करने की उम्मीद है, जो हमारे एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को दोनों को फायदा पहुंचा सके। और जानो कैसे के साथ जुड़े रहिए।